शहरियों को रिलीफ मिलेगा या नहीं, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम, रमजान बाजारों की मुंतजर। बहावलपुर जिले इंतजामिया रमजान बाजारों के लिए फंड के इंतजार में, हुकूमत पंजाब की नो लिफ्ट। डिविजनल इंतजामिया को फंड ही नहीं मिले, इंतजामिया की अपने तौर पर तैयारियां जारी। रमजानुल मुबारक की आमद आमद, जिले इंतजामिया मुल्तान को भी आखिरकार होश आ गया। जिले भर में 12 रमजान बाजार कायम करने के लिए टेंडर्स मांग लिए, टेंडर्स 29 अप्रैल को खोले जाएंगे, 28 शाबान से रमजान बाजार लगाए जाएंगे। लियाकतपुर में म्यूनिसिपल पार्क का मंसूबा 4 साल बाद भी नामुकम्मल, 6 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। बेंच ट्रैक समेत दीगर अशिया खस्ता हाल, तफरीही सहूलत न होने से शहरी इंतजामिया से शिकवा कुना। उधर खानेवाल के इस्लाम पार्क का सिविल सिस्टम नाकारा होने से आने वालों को दुश्वारी, पार्क की अबतर हालत इंतजामिया की नाअहली का सबूत। मुल्तान में पीने के साफ पानी की फराहमी के दावे हुए ढेर, 45 लाख से जायद आबादी वाले शहर के मकीन साफ पानी से महरूम। शहर के बेशतर वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स बंद, फॉल प्लांट्स में इंतहाई खस्ता हाल, टूटे नल, गंदगी के अंबार, फिल्टर तब्दील न होने से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। टीचिंग अस्पताल डेरा काजी खान में डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज, 4 माह से तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन के एमएस शाहिद सलीम के खिलाफ नारे, तनख्वाहों की जल्द अदायगी न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। और मुल्तान और गिरदोनवा में आज मौसम जुजवी तौर पर खुश्क और अबर आलूद रहेगा, महकमा मौसमियात की रात को बारिश और आंधी की पेशगोई। उधर बहावलपुर में भी 24 घंटों के दौरान मौसम में तब्दीली का इम्कान।